हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसके पहले क्लास के पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले जब मैग्नेटिक डाइपोल मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें नेट फोर्स क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्या होता है, नेट फोर्स ज़ीरो होता है ना। लेकिन यदि उसी को हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा, ज़ीरो हो भी सकता है और क्या है, नहीं भी हो सकता है। क्या है, ज़ीरो हो भी सकता है और क्या है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ कहाँ बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ भी ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि मैंने दो मेथड बताए थे कि इस दोनों मेथड का यूज करके आप आसानी से किसी भी डाइपोल को यदि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो आप आसानी से उस पर फोर्स लिख सकते हो। उसी तरह हम यहाँ भी दो मेथड देखेंगे कि बाय यूजिंग टू मेथड्स वी कैन फाइंड आउट द क्या होगा, नेट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू डाइपोल मोमेंट्स। तो पहला मैं फिर से वो रिवीजन करा देता हूँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से। देखो क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था कि इन केस ऑफ वही चीज़ हम यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट कि एक चार्ज यहाँ है, ये क्यू चार्ज है और यहाँ क्या है, डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल का डायरेक्शन जो है वो क्या है, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ मैंने कैपिटल क्यू रख दिया है और ये क्या है, माइनस क्यू है। तो डाइपोल का डायरेक्शन जो होगा पी, आई मीन ये क्या हुआ, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन किधर होता है, निगेटिव चार्ज से किधर होता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है ना। ठीक है, अब ये जो डायरेक्शन है, यहाँ जो चार्ज देखो जैसे क्या होगा, रेडियली क्या हो जाएगा, ए लाइन हो जाएगा। यहाँ हमने क्या किया, प्लस क्यू, एक प्लस कैपिटल क्यू चार्ज रखा और इसके सेंटर के डाइपोल के सेंटर, आई मीन डाइपोल जो है यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है आपको मालूम। तो मैंने बताया था मेथड, फर्स्ट बताया था कि मेथड फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा कि फोर्स ऑन डाइपोल जो होगा वो क्या होगा, डाइपोल इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से देख सकते हो कि फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा, यहाँ जो सॉरी अट्रैक्टिव नेचर का होगा, आई मीन यहाँ क्या होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो फोर्स ऑन डाइपोल जो होगा वो क्या होगा, पी इंटू क्या था, डी अपॉन क्या था, डी आर। ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, आई मीन ए डाइपोल और दिस इज क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसके द्वारा यहाँ फोर्स लिख दो, आई मीन हम क्या लिख सकते, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम क्या है, प्लस क्यू, फ्रॉम प्लस क्यू। ठीक है, ये समझ में आया, एक मेथड ये था। तो ये भी क्या करो कि जहाँ एक डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो और दूसरे डाइपोल के मोमेंट्स, ये क्या है, डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल। दूसरा मेथड क्या बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो यू इज इक्वल टू क्या होता है, देखो मेथड टू, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी यू अपॉन क्या होगा, डी आर। ये हम पढ़े हैं निगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडिएंट में, वेयर यू इज इक्वल टू क्या होता है, पी माइनस पी डॉट क्या होता है, ये आप जानते हैं। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी यूज करेंगे, वही कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, यहाँ भी यूज कर देंगे। तो ये क्या होगा, फोर्स ऑन क्या होगा, फोर्स ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक सॉरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द सेम वे हम क्या करेंगे कि यदि हम डिफाइन करें, देखो ध्यान से, तो अब देखो यहाँ क्या है, एक पोल स्ट्रेंथ है प्लस और यहाँ क्या है, एक मैग्नेट है। जब भी मैग्नेट दिया रहेगा तो उसमें क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा।
तो लाइक पोल क्या होगा, आई मीन लाइक चार्जेज मैग्नेटिक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, और अनलाइक मैग्नेटिक चार्जेज जो होगा वो क्या होगा, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगेन जब भी दिया रहेगा तो सेंटर की, आप देखो यहाँ आर डिस्टेंस पे ये क्या है, डाइपोल का क्या है, सेंटर दिया है, सेंटर ऑफ डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, एम होगा, है ना। ये सेपरेशन दिया रहेगा, यहाँ प्लस चार्ज होगा, यहाँ ऐसे भी सोच सकते हो, देखो इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं होता है, आपको मालूम है, जस्ट मैं बता रहा हूँ। यहाँ क्या होगा, प्लस एम मैग्नेटिक चार्ज, और यहाँ से देखो यहाँ इस जगह ये साउथ है तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस एम, और यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस एम। ये साउथ पोल हुआ और ये नॉर्थ पोल हुआ, इनके बीच सेपरेशन यदि हम टू ए मान लें, और यही क्या है, दिस इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ डाइपोल, तो नेट मैग्नेटिक फोर्स लिखोगे तो क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस चार्ज एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस चार्ज। तो देखो इस पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन क्या होगा, फोर्स ऑन डाइपोल, यहाँ भी जब आप कैलकुलेट करोगे मैग्नीट्यूड, यहाँ भी देखोगे क्या होगा, अट्रैक्ट, देखो इसके और इसके बीच क्या होगा, रिपल्सिव, और इसके इसके बीच क्या होगा, अट्रैक्टिव, तो नेट क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लग गया, ठीक है। तो फोर्स ऑन डाइपोल जो होगा वो क्या हो जाएगा, अगेन यदि मैं ये कॉन्सेप्ट लिखूँ तो यहाँ क्या लिखूँगा, माइनस एम, सॉरी एम डी ई, सॉरी डी बी अपॉन क्या लिखेंगे, डी आर। एक मेथड ये हो गया, ठीक है। फोर्स ऑन डाइपोल क्या होगा, एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। बी क्या है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्लस एम, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर ऑफ डाइपोल। एक मेथड भी है, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको माइंड में रखना चाहिए। क्या करो कि सेंटर पे डाइपोल के, एक डाइपोल के सेंटर पे क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड लिख लो, और उसके मैग्नेटिक मोमेंट से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ आंसर, दूसरा मेथड जो है उसी तरह हम लिखेंगे कि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी लिख डालो, है ना, क्या करो, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखो। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ क्या होगा, अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है, वो निगेटिव साइन जब होगा तो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, रिपल्सिव होगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो M ऐसे हम सोचते हैं कि प्लस M, यहाँ प्लस M जस्ट मैग्नेटिक चार्ज मान लो, और फिर देखो कि लाइक मैग्नेटिक चार्जेस के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, अनलाइक के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इनके बीच रिपल्सन हुआ और इनके बीच क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ, तो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू रिपल्सिव फोर्स, तो नेट क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, आई मीन ये जो मैग्नेट होगा वो किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स द क्या होगा, प्लस एम, ठीक है, ये ध्यान देना। दूसरा जो मेथड है, मेथड क्या है, सेकेंड, सेकेंड मेथड क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, माइनस एम डॉट क्या होता है, बी, ये क्या है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, और दिस इज क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एम एंड क्या होगा, एंड बी, कोई डाउट नहीं है, एम एंड बी के बीच। अब क्या होता है, एफ क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी यू अपॉन क्या होगा, डी आर। ये हम पढ़ चुके हैं, कहाँ कहाँ पढ़े हैं, जब वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे थे तो वहाँ फोर्स डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एनर्जी, ये क्या होगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दोनों मेथड में हम क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, एक के द्वारा दूसरे डाइपोल के सेंटर पे क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड लिखो, पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, है ना,
और फिर उसको डिफरेंट, लेकिन एक कभी कभी ये मेथड जो है वो क्या होता है, फेल हो जाता है। कभी कभी ये जो मेथड होगा वो क्या होगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये मेथड जो है कभी कभी क्या होता है, फेल होता है। आपको ये मालूम है जब एम डॉट बी जीरो हो जाएगा तो उस समय नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड से जीरो होगा, लेकिन आई मीन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते फोर्स, हम डायरेक्ट जीरो बोल सकते हैं लेकिन जीरो नहीं होगा, हम देखेंगे कैसे। तो आपको ये दोनों मेथड में से कोई भी मेथड जो भी अच्छा लगे उसको यूज करके आप आसानी से क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन क्या लिख सकते हो, डाइपोल लिख सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं डाइपोल, डाइपोल इंट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये दोनों मेथड में से कोई भी आप एक मेथड यूज करो, है ना, और उससे आप फोर्स लिखो। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे मेनली। अब देखो क्या है, यहाँ हम लिखेंगे क्या, पहले यही से रिजल्ट अपने को रटना, कुछ नहीं यहाँ लिखना है कि फाइंड, फाइंड द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल्स एज शोन इन द फिगर, इन द फिगर बिलो, ठीक है। कि नीचे फिगर जो दिया हुआ है, अब देखो क्या है, एक डाइपोल मोमेंट है, अब एक बार मैग्नेट है, एक है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, हमें तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, M1। दूसरा एक मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ, मैग्नेटिक डाइपोल रखा गया है, ये क्या है यहाँ, यहाँ देखो क्या है, N, और दिस इज नथिंग बट द साउथ, ठीक है। इन दोनों के सेंटर के बीच डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, M2 है, क्या है, M2 है। तो अपने को इनके बीच क्या करना है, इंटरेक्शन फाइंड आउट करना है, क्या करना है, फाइंड आउट। ये केस सीबी हो जाएगा। दूसरा केस क्या होगा, देखो ध्यान से, अब यहाँ, यहाँ इसको मैं, ये फिगर वन हुआ, दूसरा केस सीबी हो सकता है, फिगर ए, दूसरा यहाँ हम थोड़ा क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, यहाँ क्या हुआ साउथ पोल, यहाँ नॉर्थ पोल, और यहाँ क्या हो गया नॉर्थ पोल और यहाँ साउथ पोल। अगेन इस केस वही है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट M है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, M1, M2। अगेन इनके सेंटर के बीच, हमेशा सेंटर के बीच डिस्टेंस दिया रहेगा, R डिस्टेंस है। तो आपको दोनों फिगर में, फिगर A एंड B में आपको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन बोथ द डाइपोल्स, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। अब पहला केस हम देखते हैं, फिगर ए है ना, क्या हम देखेंगे, फिगर ए देखेंगे, फिगर ए, फिगर ए में देखो क्या है, इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो ये दोनों क्या है, पहले हम क्या करेंगे, M1, इसको जस्ट इसको एक डाइपोल से हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर देंगे। देखो एक डाइपोल क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, देखो डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, तो M1 हो गया और एक डाइपोल यहाँ हो गया, M2 हो गया, ठीक है। इन दोनों के सेंटर के बीच, यही सेंटर का सेंटर हो गया, इनके सेंटर के बीच सेपरेशन क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ। अब इनके बीच क्या हो सकता है, अट्रैक्टिव भी फोर्स हो सकता है, क्या हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, है ना। तो अब देखो यहाँ क्या है, पैरेलल है, आई मीन दोनों डाइपोल क्या है, पैरेलल रखा गया है और सेम लाइन के अलोंग है। बाद में हम ऐसे पैरेलल का मतलब ये भी होता है यार, ये भी पैरेलल हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखो इनके बीच, सेंटर के बीच डिस्टेंस क्या है। अब मुझे फोर्स निकालना है, तो पहला मेथड क्या है,
सिंपल हम क्या करेंगे, पहला मेथड यूज कर रहे हैं तो देखो, मेथड फर्स्ट, मेथड क्या होगा फर्स्ट, ठीक है। मेथड फर्स्ट क्या होगा कि इसके द्वारा मैं लिख रहा हूं, है ना, मैं बता रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड, पहले मैग्नेटिक फील्ड ही लिख देता हूँ, है ना, ये तो जरूरी होगा चाहे मेथड, मैग्नेटिक फील्ड एट द क्या होगा, सेंटर, सेंटर ऑफ M2 क्या होगा, तो देखो इसको हम लिख रहे हैं B1 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो इसके लिए क्या होगा, एक्सियल पोजीशन हो गया, और एक्सियल पोजीशन क्या होता है, थीटा इक्वल टू हम क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ म्यूनट, टू म्यूनट एम, एम वन अपॉन क्या होगा 4πr², ये ऐसे मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया। और डाइपोल एक्सिस पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, देखो ध्यान से, यहाँ से तुम फिगर आउट कर सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अलवेज क्या होगा, एक्सिस के क्या होगा, एलोंग क्या होगा, इस डाइपोल के डायरेक्शन में होगा, मैंने बताया था। तो देखो ये क्या है, इसके द्वारा इधर फील्ड क्या होगा, इधर होगा एक्स, है ना, तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो नेट जो फोर्स होगा वो क्या होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो म्यूनट सॉरी आर क्यूब होगा, है ना। अब हम फोर्स लिखेंगे, अब मेथड वन लिखेंगे, मेथड वन में क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू क्या होगा, जिस पे फोर्स लिख रहे हैं उसके डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड से हम क्या करेंगे, डिवाइड करें, तो एम टू इंटू क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा, डी यू, है ना, क्या लिखूंगा यहाँ, एम टू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी, इसका मैग्नीट्यूड लिखना, तो मैग्नीट्यूड डी, है ना, डी बी वन अपॉन डी आर, इसका मैग्नीट्यूड ले लेना, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है। जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो ये कितना आएगा, डायरेक्ट देखो म्यूनट, है ना, कितना आएगा, टू म्यूनट एम वन एम टू अपॉन क्या हो गया 4π, है ना, डी ऑफ हम लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लेना है आर माइनस क्या हो जाएगा 3dr, ठीक है। अब जब आप लिखोगे तो इस केस में, फर्स्ट केस में क्या होगा, देखो यहाँ क्या है, नहीं हमने यहाँ, ओ ठीक है ना, यहाँ नहीं, ये गलत लिख दिया हूँ, यहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल ले लेना, यहाँ नॉर्थ पोल टॉप, ठीक है, मालूम चलेगा तुमको, है ना। तो यहाँ फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा ये देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मालूम चल जाएगा कि F इज इक्वल टू क्या होगा, देखो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस थ्री, तो माइनस थ्री का मॉड लोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6 म्यूनट M1 M2 अपॉन क्या होगा 4π r² क्या होगा 4 होगा। और यहाँ क्या होगा, अट्रैक्टिव नेचर का क्या होगा, क्या होगा फर्स्ट केस में क्या होगा, अट्रैक्टिव नेचर का क्या होगा, फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी से, ठीक है, तो मेथड फर्स्ट हुआ, तो अट्रैक्ट ईच अदर, इसका मतलब क्या है, ऐसे और ऐसे, अट्रैक्टिव नेचर क्या होगा, नेचर अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। मेथड टू क्या है, बाय यूजिंग पोटेंशियल एनर्जी मेथड, तो अगेन पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ क्या होगा एम टू, कितना हो जाएगा, यू इज इक्वल टू माइनस बी वन एम, क्या होगा माइनस एम टू डॉट बी वन, है ना, तो ये क्या लिखेंगे, यू इज इक्वल टू माइनस, है ना, एम टू लिख देते हैं यार,
तो M2 हम लिखेंगे, तो M2 है ना, B1 देखो तो cos, देखो मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच एंगल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अरे इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड किधर है, B1 का जो डायरेक्शन है वो इधर होगा यार, इधर होगा, और M2 का भी डायरेक्शन, तो एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री हो गया, तो यहाँ लिखेंगे cos 0 आई मीन U इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस M2 B क्या हो जाएगा, cos 0, ठीक है, सॉरी cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम फोर्स लिखेंगे, तो फोर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू माइनस क्या लिखेंगे, du अपॉन dr, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, देखो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस है ना, और यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, तो हम लिखेंगे M2, ठीक है, उसके बाद d ऑफ b1 लिखो तो 2 म्यू नॉट M1 है ना अपॉन 4 पाई आर क्यूब डी आर, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ आएगा क्या होगा, माइनस 6 म्यू नॉट M1 M2 अपॉन क्या हो गया, आर रेस टू 4 आ जाए, सॉरी म्यू 4 पाई आर रेस टू क्या होगा, 4 आ जाए, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये हो जाएगा है ना, टॉर्क क्या लिखोगे यहाँ, टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, केस में क्या हो जाएगा, अरे टॉर्क 0 है क्योंकि आर क्रॉस क्या हो जाएगा, एफ जो होगा क्या होगा, सॉरी आर क्रॉस एम क्रॉस बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ फोर्स दो, यहाँ माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट दैट कि फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव नेचर क्या है, तो ये याद रखना, माइनस साइन इंडिकेट दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है, क्या होगा, फोर्स जो होगा वो क्या होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा है ना, और फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा। उसके बाद ठीक है, फोर्स क्या होगा, यहाँ अट्रैक्टिव नेचर का होगा, तो और टॉर्क क्या होगा, टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, एम टू क्रॉस क्या हो जाएगा, बी वन, और ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, जैसे देखो एक यहाँ मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ, अगेन क्या है नॉर्थ, एंड ए क्या है, दिस इज साउथ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट M1 है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट M2 है, तो इनके बीच क्या क्या होगा, फोर्स जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा वो क्या होगा, 6 म्यू नॉट M1 M2 अपॉन 4 पाई आर रेस टू 4, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आई मीन U इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 2 म्यू नॉट M1 M2 है ना अपॉन क्या हो जाएगा, आर रेस टू 3, और टॉर्क जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, अट्रैक्टिव, ठीक है। तो ये तुमको ध्यान देना है बस, ये आप इसको रट सकते हो तो रट सकना, नहीं तो आप ऐसे, हम क्या कर सकते हैं, एक एक स्टेप का तो प्रूफ है, हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन था इसमें देखो ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कि इसमें बी जो था, फिगर बी में ऐसे कुछ दिया था, शायद देख लेना कि मतलब इधर क्या है नॉर्थ, इधर साउथ, और इधर क्या है, या इधर आई थिंक इधर क्या था साउथ, इधर नॉर्थ, यहाँ क्या था, यहाँ जब क्या होगा इस केस में, देखो यहाँ ध्यान से, M1 इज पैरेलल टू क्या था M2, तो अट्रैक्टिव होगा, एंटी पैरेलल होगा तो क्या होगा, रिपल्सिव होगा, ये चीज़ बस ध्यान देना है। यहाँ भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम ही होगा, केवल जो फोर्स होगा वो क्या होगा, रिपल्सिव, यहाँ क्या है नॉर्थ और यहाँ साउथ,
अगेन इनके सेंटर के बीच सेपरेशन क्या दिया हुआ है, आर दिया, ठीक है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट दोनों मेथड से आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ भी क्या होगा, देखो यहाँ भी फोर्स क्या होगा, यही होगा, फोर्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ क्या है देखो, M1 जो है वो क्या है, एंटी पैरेलल टू क्या है, M2 है, ठीक है। तो यहाँ फोर्स जो होगा वो क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही वैल्यू होगा 6 μN M1 M2 अपॉन क्या हो जाएगा, 4πr⁴। पोटेंशियल एनर्जी जो होगा यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, U इज इक्वल टू क्या होगा, m 2 μN m1 m2 है ना, अपॉन क्या होगा, 4πr⁴, ठीक है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी टॉर्क यहाँ भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, U जो है वो क्या है, मैक्स है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो उनके बीच क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। फोर्स दोनों केस में क्या होगा, सेम होगा। इसमें क्या होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा, सॉरी इसमें क्या होगा, रिपल्सिव। नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, नेचर ऑफ फोर्स इक्वल टू क्या होगा, रिपल्सिव। तो जब डाइपोल क्या है, पैरेलल है, तो फोर्स क्या लग रहा है, जब डाइपोल क्या है, पैरेलल है, तो फोर्स क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स इस केस में क्या लग रहा है, फोर्स जो होगा वो क्या होगा, जब पैरेलल होगा तो अट्रैक्टिव नेचर का लग रहा है, एंटी पैरेलल होगा तो क्या होगा, रिपल्सिव नेचर का लग रहा है। इसमें एक दूसरा जो टाइप है, बस दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, दूसरा जो टाइप होगा वो देख लो, दूसरा जो टाइप है, फाइंड डाइपोल, डाइपोल फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फाइंड फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन टू डाइपोल्स एज शोन इन द फिगर 4। अब देखो यहाँ क्या है, ऐसे देखो यहाँ ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ सेंटर से डिस्ट, ये भी पैरेलल रखा हुआ है, ये नॉर्थ पोल और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है M1, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है M2, और इनके बीच सेपरेशन क्या है, R दिया। तो ये फिगर क्या हुआ, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मेथड क्या होता है, फेल हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखोगे तो यहाँ क्या होगा, नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल, अगेन यार डिस्टेंस, यहाँ नॉर्थ और यहाँ क्या है, साउथ। यहाँ क्या है, अगेन देखोगे इस केस में M1 इज पैरेलल टू क्या है, M2, यहाँ क्या है, M1 इज एंटी पैरेलल टू M2। ये फिगर क्या हुआ, फिगर, ठीक है। दोनों केस में यही क्या है, सेंटर, डाइपोल का सेंटर है, ये भी डाइपोल का क्या है, सेंटर। दोनों केस में आपको क्या करना है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो यहाँ ये देखो, ये पोजीशन किसी एक डाइपोल के द्वारा फील्ड लिख दो, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम फिगर वन देखेंगे और सिमिलरली फिगर टू में लिख देंगे आंसर, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, फिगर वन,
आई मीन फिगर है, इसको क्या कर रहे हैं हम? इसमें डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा? इधर होगा, ये एम वन का डायरेक्शन हो गया, ठीक है, और यही क्या है एम टू का डायरेक्शन, दोनों यहाँ पैरेलल है, ठीक है। अब यहाँ ये सेंटर जो होगा, चलो यहाँ हम फोर्स लिखते हैं पी पॉइंट, तो पी पॉइंट जो होगा इसके लिए क्या होगा, कौन सा पोजीशन होगा, इक्विटोरियल पोजीशन या टेन बी पोजीशन, या इसके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन हो जाएगा। तो यदि हम लिखें, क्या लिखें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू एम वन एट द क्या होगा सेंटर ऑफ एम टू, यही होगा ना, सेंटर ऑफ एम टू। तो ये जो पॉइंट है इसके लिए क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर हुआ, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी वन, और डायरेक्शन क्या होगा बी वन का आप बता सकते हो कि डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ जो इस पॉइंट पे देखोगे इधर कहीं भी बी वन का जो डायरेक्शन होगा, बी वन यहाँ हर जगह कहीं भी, पी पॉइंट पे भी देखोगे तो क्या होगा एम टू के क्या होगा एंटी पैरेलल होगा, ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो बी वन इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट एम वन अपॉन क्या होगा 4πr³, ठीक है, और डायरेक्शन जो होगा क्या होगा यहाँ लिख देता हूँ एम टू इज एंटी पैरेलल टू क्या होगा बी टू, बी वन ये क्या होगा एंटी पैरेलल। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, ठीक है, किधर होगा इधर होगा, किधर होगा इधर होगा। अब यहाँ से तुम देख सकते हो कि यहाँ एक पोल है, इस इधर छोटा हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ क्या होगा, देखो इधर नॉर्थ पोल होगा तो इधर फोर्स इधर लगेगा, और इधर भी क्या होगा इधर लगेगा, तो यहाँ फोर्स क्या लगेगा राइट लगेगा, ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इस केस में क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं मेथड वन में क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट में एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एम टू मैग्नीट्यूड ऑफ डी बी वन अपॉन क्या लिखेंगे डी आर। तो इसको जब लिखोगे तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो एम वन एम टू म्यू नॉट अपॉन 4π है ना डी ऑफ क्या लिखोगे डी ऑफ आर के पावर -3 डी आर। तो यहाँ लिखोगे एफ इज इक्वल टू क्या होगा 3 म्यू नॉट एम वन एम टू अपॉन क्या होगा 4πr⁴। ठीक है, क्या होगा 4πr⁴। मेथड टू यहाँ फेल हो जाएगा, देखो, क्योंकि यहाँ मेथड टू फेल होगा क्या, नहीं होगा, यहाँ मेथड टू भी फेल नहीं होगा, मेथड टू से भी तुम निकाल सकते हो। तो मैंने क्या बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी से यदि फोर्स निगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब अट्रैक्टिव होगा, पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा रिपल्सिव होगा, ये चीज़ ध्यान देना है। तो देखो मेथड टू में हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ है ना, यहाँ फोर्स क्या लगेगा आप बता सकते हो, देखो, तो यहाँ U इज इक्वल टू क्या होगा, U इज इक्वल टू क्या होगा -m, ठीक है, -m m2 डॉट क्या लिखोगे b1, और ये क्या हो जाएगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इसके द्वारा इधर किधर है एंटी पैरेलल, ये एंटी पैरेलल है, यहाँ थीटा क्या होगा 180 डिग्री होगा, तो हम क्या लिखेंगे -m2b1 cos 180 डिग्री, क्या हो जाएगा m2b1, ये मालूम चल गया। अब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो तुमको फोर्स मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा फोर्स मालूम चल जाएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ F इज इक्वल टू -du अपॉन क्या होगा dr, तो F इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ वैल्यू रखो
तो माइनस डी ऑफ डी आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम टू म्यू वन एम वन अपॉन क्या लिखेंगे, फोर पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इसको यदि लिखोगे तुम तो क्या लिखोगे, माइनस म्यू नट एम वन एम टू अपॉन क्या होगा, फोर पाई, ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूँ आर एस टू क्या होगा, फोर और इंटू थ्री, समझ में आया ना ये। तो यहाँ क्या होगा, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स जो होगा वो क्या होगा, एट्रैक्टिव नेचर का होगा, ठीक है। क्या होगा, फोर्स जो होगा, ये ध्यान देना है, हियर माइनस साइन इंडिकेट दैट ये रटना रट जाना जरूरी होता, माइनस साइन इंडिकेट दैट फोर्स इज एट्रैक्टिव इन क्या होगा, नेचर, ठीक है। टॉर्क यहाँ भी क्या हो जाएगा, टॉर्क जब देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, टॉर्क अगेन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेकंड फिगर में बस मेथड सेम ही है, क्या होगा, जस्ट यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है, ये सब मेथड सेम होगा। तो सेकंड फिगर में आप खुद से क्या करना, ट्राई कर लेना, ठीक है, ट्राई कर लेना। अभी एक यहाँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सेकंड वाला क्वेश्चन आप खुद से लिख लेना, उसके बाद हम देखेंगे। यहाँ एक पॉइंट और बताता हूँ बस, कि गॉस लॉ, आपको मालूम है कि मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट। तो हम यहाँ एक पॉइंट लिख सकते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गॉस लॉ फॉर क्या होगा, मैग्नेटिज्म, ये पूछा जाता है कई बार, है ना। तो गॉस लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन क्या होगा, इप्सिलन जीरो, यही होता है। ये फॉर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और मैग्नेटिक फील्ड लिखें तो ई डॉट क्या होता है, डी एस, है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, एम इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, नेट मैग्नेटिक चार्ज, नेट मैग्नेटिक चार्ज, और ये क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, तो यहाँ एक चीज़ याद रखना है कि अलवेज कभी मोनोपोल्स क्या होगा, हम लिख देंगे कि सीन्स, जैसे मान लो कि ये क्या है, बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट में यदि नॉर्थ पोल होगा साउथ पोल होगा तो अलवेज यहाँ क्या होगा, प्लस एम होगा, और यहाँ क्या होगा, माइनस एम। तो अलवेज जब गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे तो यहाँ नेट एम, एम इनक्लोज अलवेज क्या होगा, जीरो होगा, क्यों, क्योंकि मोनोपोल क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस एम इनक्लोज्ड क्या होगा, जीरो, और क्या होगा, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। ये डायरेक्ट कई बार रिजल्ट पूछा गया, ठीक है, क्या है, कई बार ये रिजल्ट पूछा गया। उसके बाद आप लोग कल क्या करना, आई मीन इसके इसमें क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स का, जस्ट जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैं आप लोगों को PDF उसका सेंड कर दूंगा, आप उसको खुद से एक बार पढ़ के लिख लेना, उसमें कुछ नहीं है। जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टीज है, वही मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी हम यूज करते हैं। केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्लोज लूप नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्लोज लूप फॉर्म करता है, और सब प्रॉपर्टी नियरली क्या है, सेम है। तो आप इसको देख लेना, आज के क्लास में इतना ही। इसके नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ, ठीक है, ओके, थैंक यू।